और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो चिकन चिल्ली और तंदूरी रोटी लगी हुई है, जो सबसे पहले खाएगा वो 2500 रुपए का इनाम पाएगा। और अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने चिकन चिल्ली और तंदूरी प्लेट में लगा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है चिकन चिल्ली और तंदूरी खाने का चैलेंज होने चल रहा है, और यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चिकन चिल्ली और साथ में लगी हुई है तंदूरी रोटी। तो आज हमारा चिकन चिल्ली तंदूरी रोटी ईटिंग चैलेंज है, और इस चैलेंज में दो चैलेंजर बैठ चुके हैं, राजू जी और यसीन जी। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, जो भी फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा 2500 रुपये पुरस्कार। तो देखते हैं आज 2500 रुपये राशि कौन लेकर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लेट में चिकन चिल्ली और तंदूरी रखी हुई है, तो यह 2500 रुपये का इनाम दिलाने वाली है। तो देखना है कि दोनों योद्धाओं में कौन 2500 रुपये का इनाम लेकर जाते हैं। यहाँ पर 1 किलो चिकन चिल्ली है और 7 तंदूरी रोटी है। जो भी सबसे पहले खाएगा 1 किलो चिकन चिल्ली और 7 तंदूरी रोटी, वो 2500 रुपये का इनाम पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देर न करते हुए हम चाहेंगे पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए, शुरू हो जाए भैया। और यहाँ पर टाइमर चालू होते ही दोनों चैलेंजर योद्धाओं ने बहुत तगड़े तरीके से खाना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो चिकन चिल्ली और तंदूरी रोटी लगी हुई है, जो सबसे पहले खाएगा वो 2500 रुपए का इनाम पाएगा। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं यसीन जी आज राजू जी को हरा पाते हैं नहीं। और कह रहे हैं राजू जी तो यसीन जी तो 100% हरा ही देंगे। देखते देखना ये है कि राजू जी यसीन को हरा पाते हैं नहीं। बहुत गजब, क्योंकि राजू जी के लिए चैलेंज है, यसीन जी के लिए तो नॉर्मल है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी यसीन कह रहे हैं आराम से खाओ यार, मतलब अपने हिसाब से खाओ। तो देखना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यसीन जी अपने हिसाब से खाएंगे, राजू जी अपने हिसाब से खाएंगे, कोई जोर दबाव नहीं है। तो यहाँ पर ये देखना है कि कौन सबसे पहले खाता है, जो सबसे पहले खाएगा वही 2500 रुपए का इनाम पाएगा। और राजू जी एक्सल पावर लगाएंगे तभी यसीन जी से जीत पाएंगे, क्योंकि एक तरफ पर्वत है तो एक तरफ पहाड़ है। बहुत गजब। और 7 रोटी में पर्वत और पहाड़ के बीच में चैलेंज लग चुका है। 7 रोटी में इस समय जो है 3 रोटी राजू जी चट कर गए हैं, और देखना है कि मोहम्मद यसीन जी जीतते हैं या राजू जीतते हैं। हाँ हाँ आ जाइए, जिसको खाना है आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद यसीन जी पूरे धैर्य और पूरे ही मन वेग से जो है जुटे हुए हैं चिकन चिल्ली के पीछे। और राजू भी लग रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। राजू भी मोहम्मद यसीन से कम नहीं है। तो देखना है यहाँ पर कि चिकन चिल्ली के साथ जो तंदूरी लगी हुई है, और ये लोग महाथाली को कितने समय में खाली करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। जो करेगा सबसे पहले खाली वही जो है जेब भरेगा खाली। बहुत गजब। और यहाँ जो सबसे पहले खाएगा वो 2500 रुपए का इनाम पाएगा। और देखना है कि 2500 रुपए का इनाम किसके हिस्से में जाता है। और कुंभकर्ण थाली पहले कौन खाली करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं राजू 2 मिनट 15 सेकंड का हुआ है, लेकिन आधे से ज्यादा इन लोगों की प्लेट खाली हो चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यसीन जी आज ठंडी में नहीं नहीं थोड़ा सा कपकपी कर रहे हैं। जी रोटी खाए हैं तो यसीन जी चिकन के पीस गायब किए हैं ना। हाँ तो मतलब है तो अभी बराबरी का ही खेल, लेकिन ये देखना है कि सबसे पहले कौन समाप्त करता है। और चैलेंजर अपने मेहनत कर रहे हैं रोटी के हिसाब से, तो राजू जी रोटी ज्यादा खा चुके हैं अभी। मोहम्मद यसीन कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से खाने दीजिए, 3 रोटी बची हुई है किसी की ये मत बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बंद करें यार जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। और जैसे कि देख रहे हैं मोहम्मद यसीन जी चिकन के पीछे पड़े हुए हैं, और राजू जी रोटी से खेल रहे हैं, और रोटी को बहुत ही भयंकर ढंग से चूरा में तब्दील कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और राजू जी आज पूरा 100% अपना लगा दिए हैं कि आज जीत करके आज 100% लगा दिए। कई बार ऐसे मतलब हार भी चुके हैं यसीन जी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। तो देखते हैं राजू जी आज यसीन जी को हरा पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय मोहम्मद यसीन जी अभी रोटी छोड़कर चिकन में जुट चुके हैं, और जबकि राजू दोनों चीज लगभग समान मात्रा में लेकर चल रहे हैं। राजू जी भी आज ठान लिए हैं तो यसीन जी को हराना है तो हराना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत बढ़िया। आप लोग यह चैलेंज देखना चाहते हैं तो अमेजिंग इलाहाबादी चैनल पर देख सकते हैं।
और जिन भाइयों के पास हमारा चैनल हमारा वीडियो पहली बार पहुंचता हो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। बहुत गजब। और ऐसे ही अनेक चैलेंजिंग वीडियो देखने के लिए YouTube पर जाइए और अमेजिंग इलाहाबादी YouTube चैनल को सर्च करिए और एक नहीं बल्कि कई चैलेंजिंग वीडियो का आनंद लीजिए। और राजू जी आज पूरा 100% लगा दिए हैं, अपना फुल एक्सल पावर लगा दिए हैं। और लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो तोप चंद है, तोप चलाने वाले हैं, चलाने वाले की बात छोड़िए, चला दिए हैं, तोप चला ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों चैलेंजर अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और राजू जी पूरी हड्डी को अलग करके पूरी तरह से जो है हड्डी को अलग करके कबड्डी खेल रहे हैं। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। देखना है राजू जी, अब हमको नहीं लगता है कि मोहम्मद यासीन जी से आगे जा पाएंगे। यहाँ पर यासीन जी की घंटी भी बज चुकी है। घंटी तो राजू जी की बज रही है, मोहम्मद यासीन जी की घंटी क्या घंटा बजा है। और उस घंटे के साथ हमको लग रहा है कि आज जीत हासिल कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और 5 मिनट होने को है और इन लोगों की प्लेट भी खाली होने को है। बहुत गजब। और देखते ही देखते टाइमर जो है 4:58 का सफर तय कर चुका है। और इस 5 मिनट में चिकन के पीस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं यासीन जी। चिकन और तंदूरी लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन राजू के थाली में अभी भी तंदूरी और चिकन नाच रहा है। नहीं नहीं, हल्का सा ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो बिल्कुल प्लेट खाली कर दिए, हौसला दिखाया यासीन जी का, धन्यवाद करते हैं। और 5 मिनट 10 सेकंड मान लीजिए खाली कर दिए, तो यासीन जी आए, हौसला दिखाया, यासीन जी का धन्यवाद करते हैं। और राजू जी भी काफ़ी क्लोज आ गए थे, थोड़ा सा ही रह गया राजू जी, बल्कि ग्रेवी बिल्कुल सफाई से मतलब सारी खाए हैं और यासीन जी ग्रेवी छोड़ दिए, हमको लग रहा है इस वजह से राजू जी पीछे रह गए। अगर वो करते तो दोनों लोग सेम ही आ जाते, हल्का सा फर्क पड़ा। तो यासीन जी आए, हौसला दिखाया यासीन जी का, नहीं मानेंगे ग्रेवी को भी एक गजब यार, बहुत ही भयंकर तरीके से ग्रेवी को साम। आपको चांस मिल गया है और अभी चांस मिला है राजू, इस चांस का फायदा उठा सकते थे, लेकिन राजू जी का हौसला जो है साथ नहीं दिया है। बहुत गजब, मतलब 5:58 में ग्रेवी ग्रेवी साहब बिल्कुल खाली कर दिए। तो यासीन जी आए, हौसला दिखाया यासीन जी का, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे जितने भी दर्शक हैं खुशी से ताली बजा रहे हैं, एक बार ताली बजा रहे हैं। और यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट हो चुकी है हमारे दोनों चैलेंजरों के लिए। तो यासीन जी आए, हौसला दिखाया यासीन जी का, धन्यवाद करते हैं। और इस चैलेंज में यासीन जी विनर हो चुके हैं, राजू जी भी काफी टक्कर दिए लेकिन थोड़े से उससे रह गए। तो यासीन जी का धन्यवाद करते हुए इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। हाथ धो लीजिए यासीन जी। मोहम्मद यासीन जी आए, हौसला दिखाया यासीन जी का, धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद यासीन जी एकदम आधी की तरह और तूफान की तरह चिकन चिल्ली और तंदूरी रोटी को समाप्त कर दिए। राजू भी कम नहीं थे, लगभग एकदम पीछा पकड़े हुए थे, थोड़े से रोटी से रह गए राजू जी। तो यासीन जी आए, हौसला दिखाया यासीन जी का, धन्यवाद करते हैं। और पैसा पा गए भैया, पूरा है ना? पूरा, एक दो। तो रोज राजू जी कह रहे हैं थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कर देना, क्योंकि अच्छा मतलब सपोर्ट करेंगे तो आप राजू जी का सपोर्ट तो बनता है, क्योंकि राजू जी मतलब वो कह रहे हैं कि आज सपोर्ट नहीं करेंगे, आज जीते हैं तो ससुराल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ पार्टी उड़ाएंगे पैसा पाए हैं तो है। तो यासीन जी आए, हौसला दिखाया यासीन जी का, धन्यवाद करते हैं। और राजू जी के कहाँ आपकी दिक्कत हुई है आपको? हम रोटी खाने में चक्कर लगा, चिकन बच गया था, इसलिए अच्छा, अच्छा, भाई चिकन फिर भी ठेसर के आगे छोटी ठेसर नहीं चल पाती है, राजू जी के यहाँ चल पाएंगे। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों को धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।